हेलो दोस्तों दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जो ठोस होते हैं वो अवयवी कणों से मिलकर बने होते हैं और वो अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं या आयन हो सकते हैं। तो उन्हीं परमाणु, अणु या आयनों की व्यवस्था किस प्रकार की है, उसकी व्यवस्था का क्रम क्या है, इस आधार पर जो ठोस हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से ठोस? एक है क्रिस्टलीय ठोस और एक है अक्रिस्टलीय ठोस। तो आपको पता लग गया कि जो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय है ना, वो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर है कि उसकी व्यवस्था किस प्रकार की है। तो आप देखेंगे, मैं आपको दो ठोस बना करके बताता हूं। क्रिस्टलीय ठोस का पहला एग्जाम्पल बनाता हूं। मैंने इस तरीके से बनाया हूं, देखो कि मैंने लिखा ये एक कण है, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसी प्रकार से यहां पर मैंने इस तरीके से और बनाए हैं, इसी प्रकार से यहां पर और बनाए हैं मैंने, ये लो। और इसके साथ दूसरे तरीके के कण और रिपीट हो रहे हैं इनके साथ में, ये लो। ब्लू और रिपीट हो रहे हैं, नीले और रिपीट हो रहे हैं, ये लो। ठीक है, तो इस प्रकार का ये क्रिस्टल है एक, जिसके अंदर इसके अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार की है कि मैं इन हरे वाले अवयवी कणों को तो मैं क्या मान रहा हूं, ए, और जो नीले वाले अवयवी कण हैं इनको मैं मान रहा हूं बी। ठीक है, तो एक तो क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति तो इस प्रकार की है कि इसके अंदर ए बी ए बी ए बी प्रकार के क्रिस्टल पाए जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब इसी के बाद दूसरा जो है मैं बना रहा हूं अक्रिस्टलीय ठोस, और अक्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था, इसके अणुओं की व्यवस्था देखो अक्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार की है। क्रिस्टलीय ठोस में तो इस प्रकार की एक फिक्स है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में कोई भी फिक्स नहीं है। किस प्रकार से? यूं पड़े हैं भाई, कहीं भी कोई भी आ रहा है, ऐसे मिक्स पड़े हैं इसमें, कहीं भी बीच बीच में जो है वो ब्लू भी है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे यूं इसमें सारा मिक्सअप है, इसमें सारा क्या है बच्चों, मिक्सअप है। ठीक है, कहीं कोई भी अवयवी कण आ सकता है। ठीक है, तो ये जो इनके ऊपर मैं बढ़ा लेता हूं, ये लो, ये जो व्यवस्था है वो अक्रिस्टलीय ठोसों की है और क्रिस्टलीय ठोसों की ये व्यवस्था है। आपने ठोसों का वर्गीकरण अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर करना था, व्यवस्था देख ली। क्रिस्टलीय ठोसों में तो यार एक फिक्स व्यवस्था है, ठीक है, एक नियमित व्यवस्था है, निश्चित व्यवस्था है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कहीं भी आ रहा है, सारा मिक्सअप पड़ा है। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में लाइनें लिखना शुरू करता हूं। पहला पॉइंट लिख रहा हूं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, इधर ध्यान देंगे बच्चों, क्या कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, पहला पॉइंट लिख रहा हूं, देखो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण जो कणों की व्यवस्था जो है वो क्रिस्टलीय होती है, या अवयवी कण जो है वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, और इसमें अवयवी कण जो है वो अक्रिस्टलीय व्यवस्था में होते हैं। किसमें? अक्रिस्टलीय व्यवस्था में होते हैं, ये क्रिस्टलीय व्यवस्था में होते हैं और ये अक्रिस्टलीय व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, तो आपको पहली लाइन तो याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने दिखाई दे रहा है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था क्रिस्टलीय व्यवस्था और अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था अक्रिस्टलीय व्यवस्था। ठीक है, अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि सर ये क्रिस्टलीय व्यवस्था और अक्रिस्टलीय व्यवस्था होती क्या है, तो गौर करो भाई क्रिस्टलीय व्यवस्था से क्या मतलब है। क्रिस्टलीय व्यवस्था का मतलब आपको दो ही पॉइंट ध्यान रखने हैं कि जिसमें अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था हो, अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था हो और इनका निश्चित ज्यामितीय आकार हो, निश्चित ज्यामितीय आकार हो, तो उसे अपने क्रिस्टलीय व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था हो और निश्चित ज्यामितीय आकार हो, उसको अपने क्रिस्टलीय व्यवस्था कहते हैं, और क्रिस्टलीय व्यवस्था वाले ठोसों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करेंगे ना, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है ना, अक्रिस्टलीय वर्ड एक ना, इंग्लिश में इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोसों को हम कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं।
ठीक है, तो अकृष्णीय ठोस जो अकृष्णीय वर्ड है वो ग्रीक भाषा के शब्द अमॉर्फस से बना है। किससे बना है? अमॉर्फस से बना है। और इस अमॉर्फस का अर्थ क्या होता है? आकार नहीं होना। ठीक है, आकार नहीं होना जो है वो अमॉर्फस शब्द का अर्थ है कि इसके अंदर अकृष्णीय ठोसों के अंदर जो अवयवी कणों की व्यवस्था है, अवयवी कणों की व्यवस्था जो है वो कैसी होती है बच्चों? अनिश्चित होती है। ठीक है, अनिश्चित होती है। और क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित होती है और इनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता। निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता। निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता। ठीक है, तो इसको अपने अकृष्णीय ठोस कहते हैं। ठीक है, अवयवी कण एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर अवयवी कण एक जैसे होते हुए भी अगर उनकी व्यवस्था अलग अलग है ना, तो एक कृष्णीय हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? अकृष्णीय हो जाएगा। तो पहला वर्ड अगर आपको पहला पॉइंट समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं बच्चों। ठीक है, कृष्णीय ठोस में कृष्णीय व्यवस्था। कृष्णीय ठोस व्यवस्था का मतलब अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था और निश्चित ज्यामितीय आकार। और इसके अंदर जो है अकृष्णीय व्यवस्था में अकृष्णीय शब्द ही अमॉर्फस से बना है जिसका आकार है आकार नहीं होना, और इसके अंदर अवयवी कणों की अनिश्चित व्यवस्था होती है। कोई व्यवस्था निश्चित नहीं होती, आपको दिखाई दे रहा है यार, देख करके लिख दो, आपको कहीं याद करने की जरूरत ही नहीं है। और निश्चित ज्यामितीय आकार भी इसका नहीं होता। ठीक है, अब मैं एक एक एग्जाम्पल इसका यहीं क्लियर कर देता हूं, एक एक एग्जाम्पल क्लियर कर देता हूं, फिर आगे बढ़ने में हमें आसानी रहेगी। देखो इसका जो उदाहरण है ना, इसका जो उदाहरण है वो है क्वार्ट्ज। क्या है बच्चों? क्वार्ट्ज जो है इसका उदाहरण है। क्वार्ट्ज का सूत्र जो है SiO2 होता है और इसके अंदर जो इकाइयां होती हैं वो Si4 की इकाइयां जो होती हैं, मतलब इकाइयां वो निश्चित निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में या निश्चित व्यवस्था में पाई जाती हैं। किसके? क्वार्ट्ज की। लेकिन एक होता है क्वार्ट्ज ग्लास। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है क्वार्ट्ज ग्लास का मतलब है, ग्लास का मतलब क्या होता है? कांच। क्वार्ट्ज ग्लास का मतलब कांच। ठीक है, इसमें भी SiO4 की इकाइयां ही होती हैं, लेकिन ये इकाइयां जो है वो अनिश्चित ज्यामिति में मतलब बिखरी हुई होती हैं। ठीक है, तो इसको जो है अपने क्वार्ट्ज ग्लास को तो अपने अकृष्णीय ठोस कहते हैं क्योंकि इसमें SiO4 की इकाइयां जो है वो निश्चित नहीं होती, रैंडमली व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, डिसऑर्डर्ड होती हैं, अव्यवस्थित होती हैं, तो इसको तो अपने अकृष्णीय ठोस कह देते हैं। जबकि जो आपका क्वार्ट्ज होता है वो SiO2 तो सूत्र है इसका, लेकिन ये इस प्रकार से पाया जाता है, जैसे Si यहां पर O फिर दूसरे Si का दूसरे Si का O। ठीक है, और इस प्रकार से फिर इस Si का अगले Si का O, यूं जो है ना सारे Si आपस में जुड़ करके एक Si, दो तो खुद के O से जुड़ा होता है और दो दूसरे Si के O से जुड़ा होता है, तो ये पूरी इकाई जो है वो SiO4 बन जाती है। ठीक है, तो SiO4 इकाइयां जो है इसमें तो निश्चित व्यवस्था में होती हैं और इसके अंदर SiO4 की व्यवस्था अनिश्चित व्यवस्था में होती है, इसीलिए इसको अकृष्णीय ठोस कहते हैं। देखो इसका नाम क्या है? क्वार्ट्ज। इसका नाम क्या है? क्वार्ट्ज ग्लास या क्वार्ट्ज कांच। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आना चाहिए। कई बार बच्चा घबरा गलत कर देता है क्योंकि शब्द दोनों क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज हैं, लेकिन जिसमें सिर्फ क्वार्ट्ज है वो तो क्रिस्टलीय ठोस है। जिसके अंदर क्वार्ट्ज के साथ में कांच वर्ड लग गया, क्वार्ट्ज के साथ में ग्लास वर्ड लग गया, वो अकृष्णीय ठोस हो जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है आपका क्रिस्टलीय और अकृष्णीय ठोसों का। आज मैं आपको इसके बहुत सारे टॉपिक्स करवाने वाला हूं, बहुत सारे पॉइंट्स करवाने वाला हूं, तो एक बार ये वाले पॉइंट्स जो है आप इन नोट कर लें या इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपने बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ये मैं साफ कर रहा हूं, देखें ये लो। अब एक बहुत ही अच्छा शब्द मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बहुत ही शानदार शब्द। ठीक है, क्या है देखेंगे, ये जो आपके पास क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अब इनके लिए मैं एक बहुत ही जबरदस्त वाला शब्द सिखा रहा हूं, पॉइंट नंबर दो, कि क्रिस्टलीय ठोसों में गौर करना बच्चों, देखो क्या शब्द आ रहा है, दीर्घ प्रास व्यवस्था।
दीर्घ प्रास व्यवस्था या इंग्लिश में बोले तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। किसलिए ठोसों में दीर्घ प्रास व्यवस्था पाई जाती है? और इसका दूसरा पॉइंट है कि अकृष्ठलीय ठोसों में लघु प्रास व्यवस्था पाई जाती है। लो भाई, याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि जैसे ही आपके आपको नया शब्द सुनने को मिला, आपके मन में एक्साइटमेंट आ जानी चाहिए। अरे वाह यार, मैं दीर्घ प्रास व्यवस्था शब्द का अर्थ क्या है ये सीखने वाला हूं, लघु प्रास व्यवस्था शब्द का अर्थ क्या है ये सीखने वाला हूं, ये इसमें क्यों पाया जा रहा है, ये इसमें क्यों पाया जा रहा है। चलिए शुरू करता हूं। इधर करें भाई, गौर करें, इधर देखें, ध्यान करें कि मैंने क्या किया। यहां पर अगर आप गौर करो क्रिस्टलीय ठोसों में, तो यहां से मैं चला, यहां से चला और लंबी दूरी तक चलता गया, चलता गया, चलता गया, तो मैं क्या देख रहा हूं, हर बार ए बी ए बी ए बी ए बी, तो एक ही प्रकार की व्यवस्था बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, लंबी दूरी तक एक ही प्रकार की व्यवस्था रिपीट हो रही है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर अगर मैं इस प्रकार से चलूं तो कहीं बी आ रहा है, तो कहीं ए आ रहा है, तो कहीं बी आ रहा है, मतलब मिक्सअप आ रहा है। ठीक है, यहां पर क्या आ रहा है, मिक्सअप आ रहा है कि यहां पर तो देखो जैसे बी दो लगातार आ गए, यहां पे एक ही बात बी आ गया, ये तीन बी लगातार ही चल रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो व्यवस्था है वो लंबी दूरी तक एक समान नहीं चलती। आपने इसमें क्या देखा, किसलिए ठोस में क्या देखा कि अव्यवी गणों की व्यवस्था लंबी दूरी तक पुनरावर्तित होती है, रिपीट होती है, ए के बाद बी, बी के बाद ए, बी के बाद फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर दीर्घ प्रास व्यवस्था पाई जाती है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिख रहा हूं, आप समझेंगे दीर्घ प्रास व्यवस्था का मतलब क्या है कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ प्रास व्यवस्था पाई जाती है। अर्थात अर्थात दीर्घ का मतलब क्या होता है, लंबी, कि लंबी दूरी तक क्या होता है, समान अव्यवी कणों की, अव्यवी कणों की समान प्रकार की व्यवस्था, समान प्रकार की व्यवस्था पुनरावर्तित होती है। पुनरावर्तित का मतलब क्या होता है, बार बार रिपीट होती है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिपीट होती है, पुनरावर्तित होती है। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को अपने दीर्घ प्रास व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो दीर्घ प्रास व्यवस्था समझ लेंगे, आपको दिखाई भी दे रही है कि हम लंबी दूरी तक चले तो एक ही प्रकार की व्यवस्था बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे हम दीर्घ प्रास व्यवस्था कहते हैं। दीर्घ प्रास व्यवस्था अर्थात लंबी दूरी तक अव्यवी कणों की समान प्रकार की व्यवस्था पुनरावर्तित होती है, इसको हम दीर्घ प्रास व्यवस्था कहते हैं। और किसलिए ठोसों में दीर्घ प्रास व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं लघु प्रास व्यवस्था की, तो क्या कहूंगा कि अकृष्टलीय ठोसों में लघु प्रास व्यवस्था पाई जाती है, इंग्लिश में बोले तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। अब शॉर्ट रेंज ऑर्डर का क्या मतलब है बच्चों, कि अर्थात अर्थात लंबी दूरी तक या थोड़ी दूरी तक, या आपने यूं कहें कि लंबी दूरी तक अव्यवी कणों की, अव्यवी कणों की समान प्रकार की व्यवस्था, समान प्रकार की व्यवस्था पुनरावर्तित नहीं होती, पुनरावर्तित नहीं होती। तो अगर समान प्रकार की व्यवस्था लंबी दूरी तक पुनरावर्तित व्यवस्था पुनरावर्तित नहीं होती, रिपीट नहीं होती, तो इसको लघु प्रास व्यवस्था कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि अर्थात थोड़ी दूरी तक ही, कम दूरी तक ही अव्यवी कणों की समान प्रकार की व्यवस्था पुनरावर्तित होती है, तो उसे अपने लघु प्रास व्यवस्था कहते हैं। और अकृष्टलीय ठोसों में लघु प्रकार की व्यवस्था, लघु प्रास व्यवस्था पाई जाती है। आप देख पा रहे हैं कि इतनी दूरी तक तो बी 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 आ रहे थे, फिर ए बी हो गए, फिर ए बी हो गए, तो अलग अलग तरीके की थोड़ी थोड़ी दूरी पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होती है, इसको अपने अकृष्टलीय ठोस कहते हैं। और लघु प्रास व्यवस्था पाई जाती है, ये दीर्घ प्रास व्यवस्था जो है वो कृष्णीय ठोसों में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कृष्णीय और अकृष्टलीय ठोसों में। इसको नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या चाहे तो इसको नोट कर लें। चलिए
अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूं, एक और चीज आपको सिखा रहा हूं, बढ़िया वाली, जबरदस्त वाली। देखें क्या गणनांक, अब यहां पर कई सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। देखें क्या कह रहा हूं मैं कि तीसरा पॉइंट मैं लिख रहा हूं गणनांक। ये लो बच्चों, गणनांक इंग्लिश में बोले तो मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और इसका भी हम पढ़ेंगे गलनांक, इसको भी इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है, आपको अगर ध्यान होगा तो गलनांक किसे कहते हैं, वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलता है, कोई ठोस जिस ताप पर पिघलने लग जाता है उस ताप को हम गलनांक कहते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, इनका गलनांक तो बच्चों निश्चित होता है, निश्चित होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है कि उसी पर ही पिघलना शुरू होगा। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस कोई ठोस 98-99 पर भी नहीं पिघलेगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलना शुरू होगा, ठीक है। तो उसको अपने कहते हैं गलनांक, और गलनांक जो है क्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित होता है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित नहीं होता, निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि इसके अंदर जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, उनमें ताप की एक प्रास होती है, ताप की एक प्रास होती है, रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होता है, मान लो किसी का टेम्परेचर का रेंज है कि 50 से लेकर के 70 के बीच में वो पिघलेगा, पक्का नहीं है कि 55 पे पिघलेगा, फिक्स नहीं है 60 पे पिघलेगा, नहीं, एक ऑर्डर कर दिया 50 से लेकर के 70 के बीच में पिघल जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक ताप का एक क्रम है, लेकिन अगर मैं फिक्स कर दूं कि भाई ये सिर्फ 60 पर ही पिघलेगा, तो ये इसका गलनांक निश्चित हो गया। और यहां पर ताप की एक परास पर गलनांक होता है कि भाई एक रेंज होती है टेम्परेचर की, भाई इस टेम्परेचर की रेंज के बीच में ही वो पिघलेगा। तो इस रेंज के बीच में पहले तो ये क्या होते हैं, ये नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इस ताप के रेंज में नरम हो जाते हैं, नरम होकर के जो है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, पिघलना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे पिघलते रहते हैं और बहने भी लग जाते हैं, ठीक है। और क्या हो जाते हैं, बहने लग जाते हैं, जैसे द्रव बहते हैं ना उस प्रकार से ये बहना शुरू हो जाते हैं। तो इनको अपने कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, और इनका गलनांक निश्चित नहीं है। इनका गलनांक क्या होता है, ताप की एक परास होती है जिसमें वो धीरे धीरे पहले नरम होना शुरू करते हैं, फिर पिघलना शुरू करते हैं, फिर बहना शुरू करते हैं, ठीक है। तो वो है अक्रिस्टलीय ठोस, तो इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, और जो क्रिस्टलीय ठोस है उनका तो एक फिक्स टेम्परेचर है जिस पर वो पिघलेगा, इसका गलनांक जो है वो निश्चित होता है, ठीक है। अभी इसके अंदर एक बात समझेंगे, बढ़िया वाली बात, देखें क्या बहुत ही शानदार पॉइंट सीखेंगे। ये देखो कि जो कांच है, अभी अभी हमने सीखा कि कांच जो है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस है, कांच क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, और ये एक ताप की परास जब आएगी उसके बीच में ये पिघलना शुरू हो जाएगा और पिघल करके बहना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस कांच को जो है पिघलाकर किस में डाला जा सकता है, सांचों में डाला जा सकता है, सांचों में डाला जा सकता है, मतलब अलग अलग सांचों में डाला जा सकता है जिससे इसकी अलग अलग आकृतियां बनाई जा सकती हैं, अलग अलग आकृतियां बनाई जा सकती हैं। आपने देखा कि क्या होता है कि आप देखें कि कबाड़ी वाला कांच की बोतल कैसे खरीदता है, क्यों खरीदता है, क्योंकि उस कांच की बोतल को पिघला करके और अलग सांचे में डाल करके वो बोतल की कांच की ग्लास बना सकते हैं, कोई कटोरी बना सकते हैं कांच की ट्रे बना सकते हैं, कोई कांच का खिलौना बना सकते हैं, कोई मूर्ति बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनको अलग अलग सांचों में डाल करके अलग अलग आकृतियां दी जा सकती हैं। तो एक यहां पर क्वेश्चन तो कहीं नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि भाई कांच की भिन्न भिन्न आकृतियां बनाई जा सकती हैं, क्यों, तो आप कहेंगे कांच जो है वो एक अक्रिस्टलीय ठोस है और इसको पिघला करके भिन्न भिन्न सांचों में डाला जा सकता है और भिन्न भिन्न सांचों में डाल करके इसकी भिन्न भिन्न आकृतियां बनाई जा सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये बात हुई गलनांक की, और गलनांक का जो है ये एक क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाया, ठीक है। अब एक चीज और देखें, कांच को लेकर के एक और बात हम कह सकते हैं कि इसका मतलब कांच तो ऐसा है कि पिघलाओगे तो वो पानी की तरह बहने लग जाएगा,
ठीक है। इसलिए कांच को गौर करना, एक बड़ा शब्द बता रहा हूं, एक बड़ा शब्द बता रहा हूं कि कांच को अतिशीतित अतिशीतित द्रव माना जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है कि भी कांच तो एक प्रकार का द्रव ही है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दिया तो वो ठोस के रूप में बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। अब अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? क्योंकि कांच एक अकृष्णीय ठोस है, इसको पिघलाओ तो ये बहने लग जाता है, लेकिन बहता ये बहुत धीरे है। धीरे बहने का कारण क्या होता है कि इसकी शांतता बहुत ज्यादा होती है। शांतता, वर्ड क्या बोल रहा हूं, शांतता, विस्कोसिटी, क्या शब्द बोल रहा हूं, शांतता, ये लो, ये शांतता वर्ड बोल रहा हूं कि कांच की शांतता बहुत अधिक होती है। शांतता बहुत अधिक होने का कारण क्या है कि शांतता बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है कि इसकी बहने की दर बहुत कम होती है। ऐसा नहीं कि पानी की तरह सीधा डल और बहुत तेजी से बह जाता, नो, बहुत धीरे धीरे बहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम कांच को अतिशीतित द्रव मानते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है क्यों, तो आप कहोगे कांच अकृष्णीय ठोस है, इसमें द्रवों के समान बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन इसकी बहने की दर बहुत कम होती है क्योंकि इसकी शांतता उच्च होती है, इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। अच्छा, एक चीज और मैं बात बता रहा हूं आपको, क्या बच्चों, कि मैं आपको ये टॉपिक कंप्लीट करवा दूं, अभी इसके बाद एक और एपिसोड डालूंगा, आज ही मैं शाम तक एक और क्लास अपलोड कर दूंगा जिसमें इससे रिलेटेड 7 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो मैं समझा रहा हूं ना, वो सारी चीजें वहां आपको काम में आएंगी, ठीक है। 7 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, क्लियर बच्चों? तो देखेंगे, तो ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें से एक क्वेश्चन ये आएगा कि कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है क्यों, तो ये भी एक क्वेश्चन होगा आज की क्लास में, आज की नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों। तो ये गलनांक की बात भी हो गई है कंप्लीट। एक और बात मैंने साफ बतानी है, लेकिन यहां पर इसको ना एक बार साफ कर लें, इस बार इसको नोट कर लें, मैं यहां पर इसको साफ कर रहा हूं, देखें क्या, ये ताप जो है ना, ताप परिवर्तन के कारण क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस में और अक्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय ठोस में बदला जा सकता है। देखें क्या कि आपके पास दो चीजें होती हैं, आपके पास जैसे क्वार्ट्ज है, क्या है बच्चों, क्वार्ट्ज, और इसको आपने बदलना है किसमें, क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज ग्लास में, क्वार्ट्ज ग्लास में, मतलब क्रिस्टलीय ठोस को अक्रिस्टलीय ठोस में बदलना है। तो आप क्या करो, इस क्वार्ट्ज को पहले तो क्या कर लो, पिघला लो, पिघला करके सबसे पहले क्या करोगे आप, इसको पिघला कर तीव्रता के साथ गर्म करो, सॉरी तीव्रता के साथ ठंडा करो, तो जो है ना क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज ग्लास में बदल जाता है। ये बहुत बढ़िया बात है। क्या होता है कि आपने पहले क्वार्ट्ज को क्या कर लिया, पिघला लिया, पिघला करके एकदम से ठंडा किया, एकदम से ठंडा करोगे ना तो ये क्वार्ट्ज ग्लास में बदल जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो Si4 की निश्चित व्यवस्था थी, वो व्यवस्था जो है एकदम पिघला करके एकदम ठंडा करोगे तो Si4 इकाइयों की व्यवस्था जो है वो क्या हो जाती है, रैंडम हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों, रैंडम हो जाती है, रैंडम का मतलब बिखर जाती है, और व्यवस्था बिखर गई तो वो क्या बन गया, अक्रिस्टलीय ठोस बन गया, क्योंकि व्यवस्था ही जिसकी बिगड़ी होती है वही तो अक्रिस्टलीय ठोस होता है। हमने इसको पिघला करके एकदम से ठंडा किया तो जो ये इसकी निश्चित व्यवस्था थी वो अव्यवस्थित हो गई, तो ये जो है क्वार्ट्ज जो है वो क्वार्ट्ज ग्लास में बदल गया, मतलब क्वार्ट्ज कांच में बदल गया, मतलब जो है अक्रिस्टलीय ठोस में बदल गया, ठीक है। तो आपको अभ्यास प्रश्न में एक प्रश्न दे रखा है, वो मैं अभी, मैंने कहा कि नेक्स्ट एपिसोड में मैं करवाऊंगा क्वेश्चन सारे, तो उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि क्वार्ट्ज को आप क्वार्ट्ज ग्लास में कैसे बदलोगे, तो आपके सामने लिखा हुआ है पिघला करके तीव्रता से ठंडा करो, तो जो है क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज ग्लास में बदल जाएगा। अब इधर आओ, इधर की साइड क्या है कि अगर आपको क्वार्ट्ज ग्लास मतलब क्वार्ट्ज कांच से क्या बनाना हो, क्वार्ट्ज, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चों कि भाई जो क्वार्ट्ज कांच है वो अक्रिस्टलीय ठोस है, और क्वार्ट्ज क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। इस शब्द का मतलब, ये लाइन लिखिए, इसका मतलब क्या है कि आप अक्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलीय ठोस में बदल रहे हो, ठीक है। इसका क्या, कैसे बदला जाता है, लगातार कई
वर्षों तक, लगातार कई वर्षों तक ताप परिवर्तन होता रहे, ताप परिवर्तन होता रहे तो क्वार्ट्ज कांच जो है वो क्वार्ट्ज में बदल जाता है, मतलब इसका क्या हो जाता है, क्रिस्टलीकरण, क्या हो जाता है, क्रिस्टलीकरण, अक्रिस्टलीय जो है वो क्रिस्टलीय में बदल जाता है, मतलब क्रिस्टलीकरण हो जाता है। ठीक है, कब, जब लगातार ताप में परिवर्तन हो। तो आप देखेंगे कि भाई जो पुराने कांच की वस्तुएं होती हैं, पुरानी, ठीक है, तो जैसे पुराने कांच की वस्तुओं, कोई अंगूठियां होती हैं, या आप कोई गढ़ देखने गए हो, कोई महल देखने गए हो, तो उसमें देखा होगा कि कांच की जो वस्तुएं पड़ी होती हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बिल्कुल पारदर्शी नहीं होती, वो हल्की हल्की दूधिया सी होती है, मिल्की शेड सा होता है उसका। क्यों? क्योंकि वो बहुत पुरानी पड़ी है, बहुत पुरानी कांच की वस्तुएं पड़ी है, उनमें लगातार कई वर्षों तक कभी टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, तो दिन में टेम्परेचर ज्यादा, रात में टेम्परेचर कम, तो लगातार ताप में परिवर्तन हो रहा है। लगातार ताप में परिवर्तन होने की वजह से वो कांच कैसा हो गया है, क्वार्ट्ज में बदलने लग गया, मतलब उसका क्रिस्टलीकरण होने लग गया, और इसी क्रिस्टलीकरण के कारण ही उसका हल्का रंग दूधिया हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ये क्वेश्चन भी कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, ये क्वेश्चन भी, ये सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, लेकिन एक बार थ्योरी आप अच्छे से समझ ले। ठीक है, आप एक चीज यहां पर लिख लेंगे कि इसी क्रिस्टलीकरण के कारण कांच का रंग जो है वो हल्का दूधिया हो जाता है, हल्का दूधिया हो जाता है। आपको ये लिखा हुआ समझ में नहीं आया तो मैंने क्या लिखा है यहां पर सुन ले, कि कांच का रंग हल्का दूधिया हो जाता है किसके कारण, क्रिस्टलीकरण के कारण। ठीक है बच्चों, तो ये गलनांक का पॉइंट जो मैंने समझाया, इसको भी एक बार आप ले लें स्क्रीनशॉट, और फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट चौथे पॉइंट पर। देखें क्या है, बहुत ही एक शानदार पॉइंट आ रहा है, चौथा पॉइंट साफ कर रहा हूं मैं इसको, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अब मैं बात समझा रहा हूं, नेक्स्ट देखेंगे क्या मैंने लिखा, चौथा पॉइंट। अब मजा आने वाला है भाई, क्योंकि अब मैं जो वर्ड लिखने जा रहा हूं वो वर्ड भी आपके लिए बिल्कुल नए वर्ड है, बिल्कुल क्या है, नए वर्ड है। और पहला वर्ड मैं लिख रहा हूं कि जो अकृष्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, अकृष्टलीय ठोस जो है वो विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, और जो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो सम दैशिक प्रकृति के होते हैं। इनको इंग्लिश में बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक, और इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो ये तो एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक सॉलिड होते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए, पहले तो शब्द बोलना सीखो, विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, पहले तो ये सीखो, और सम दैशिक प्रकृति के होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। अब विषम दैशिक और सम दैशिक का मतलब क्या है ये समझेंगे अपने। देखो क्या है बच्चों, अगर विषम दैशिक का मतलब समझेंगे, अगर मैं क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता या अपवर्तनांक, ठीक है, क्या है कि एक तो आपके पास विद्युत प्रतिरोधकता है, एक अपवर्तनांक है, का मान पूरे क्रिस्टल में भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार के ठोसों को विषम दैशिक ठोस कहा जाता है, और ये क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। इस बात को समझेंगे आप, देखें मैंने क्या लिखा है कि अगर मैं विद्युत प्रतिरोधकता या अपवर्तनांक का मान इस पूरे क्रिस्टल में मापूं, अगर मैं इस दिशा में मापूंगा तो किसके कारण आएगा, आप देखेंगे इस दिशा में ए बी ए बी ए बी ए बी के कारण आएगा,
और अगर मैं इसका मान इस दिशा में मापूं, ऐसे मापूं यूं, तो देखो सारे ग्रीन ग्रीन कण आ रहे हैं, ए ए ए के कारण ये गुण आएंगे। अगर मैं इसके भौतिक गुणों का मान इस दिशा में मापूं तो सारे बी के कारण आएंगे, ये ए के कारण आएंगे, ये ए बी के कारण आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कृष्णीय ठोस होते हैं इनके इनमें यदि भौतिक गुणों का मान, भौतिक गुण जैसे विद्युत प्रतिरोधकता या अपवर्तनांक का मान पूरे क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर, इस दिशा में मापो, इस दिशा में मापो, इस दिशा में मापो, भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, उन्हें विषम दैशिक ठोस कहा जाता है, या इस प्रकृति को विषम दैशिक प्रकृति कहा जाता है और इस प्रकार के ठोसों को विषम दैशिक ठोस कहा जाता है। और विषम दैशिक ठोस किसमें पाए जाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। विषम दैशिक ठोस कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आपको दिखाई दे रहा है कि यहां मापूंगा तो ये गुण ए और बी कणों के कारण आएंगे, ये इधर मापूंगा तो ए कणों के कारण आएंगे, इधर मापूंगा तो बी कणों के कारण आएंगे। समझ आए कि नहीं ये बात? तो ये विषम दैशिक ठोस होते हैं। चलिए, ये समदैशिक प्रकृति का क्या मतलब? कि अकृष्णीय ठोसों में भौतिक गुण, अकृष्णीय ठोसों में भौतिक गुण जैसे क्या, कि मैंने लिखा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ठीक है, और मैंने लिखा कि विद्युत चालकता, विद्युत चालकता का मान, का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर, मापने पर समान प्राप्त होता है। हर दिशा में क्या प्राप्त होता है? समान प्राप्त होता है, ठीक है। अतः अतः इस प्रकृति को समदैशिक प्रकृति कहते हैं, समदैशिक प्रकृति कहते हैं। तथा तथा इस प्रकार के ठोस को समदैशिक ठोस कहते हैं। और ये कौन से होते हैं? अकृष्णीय ठोस होते हैं, क्योंकि इसमें इनके मान का जिधर भी मान ज्ञात करो, इधर ज्ञात करो, इधर ज्ञात करो, कहीं भी ज्ञात करो, इसमें मिक्सर से ही प्राप्त होता है, सारा मिक्स है, ठीक है, मिक्सर से ही प्राप्त होता है। इसमें कहीं भी एक कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं है कि इस दिशा में जाओगे तो यही यही कण आएंगे, इसमें जाओगे तो यही यही कण आएंगे, नो, हर साइड में मिक्सर ही आएगा, मिक्सर ही आएगा। तो गुण भी सारे एक जैसे ही आएंगे और गुण भी सभी दिशाओं में एक जैसे आएंगे, तो इनको अपने समदैशिक ठोस कहेंगे और इस प्रकृति को समदैशिक प्रकृति कहेंगे, ठीक है। तो अब शब्द से सीखेंगे विषम दैशिक, विषम अलग अलग, दैशिक मतलब दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकृति प्राप्त होती है, भौतिक गुणों की प्रकृति अलग अलग होती है, भौतिक गुणों का मान अलग अलग होता है। तो विषम दैशिक प्रकृति और समदैशिक, समान दिशा, समान दिशा मतलब समान मान प्राप्त होता है भिन्न दिशाओं में। समान मान क्या, इससे ऐसे समझ रहे हैं कि समान मान प्राप्त होता है भौतिक गुणों का भिन्न दिशाओं में, तो उसको अपने समदैशिक प्रकृति कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये समदैशिक और विषम दैशिक का मतलब भी समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अकृष्णीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं, क्यों? क्योंकि यहां पर अव्ययीय कणों का मिक्सर होता है। और इसमें कृष्णीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि इसमें भिन्न भिन्न दिशाओं में अव्ययीय कणों की व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, अतः भौतिक गुणों का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न कणों के कारण आता है, इसलिए जो है इसका मान अलग अलग प्राप्त होता है, अतः अकृष्णीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये बात भी होगी आपकी कंप्लीट। चलिए, अब इसके और गुण जो है, जैसे एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं मैं, इसका NaCl, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, आयनिक यौगिक, ज्यादातर इसी के कृष्णीय ठोस के उदाहरण है आयनिक, और सहसंयोजक में कुछ इसके हैं कुछ इसके हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, जैसे रबर, ठीक है, प्लास्टिक, रबर जितने होते हैं, प्लास्टिक जितने होते हैं, वो सारे के सारे अकृष्णीय ठोसों के उदाहरण हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात भी एक हो गई। एक एक पॉइंट मैं और समझाता हूं आपको, साफ कर देता हूं इसको, इधर देखिए, पांचवा पॉइंट मैं इनका और बताता हूं क्या है, कि इसके अंदर जो इसका शीतलन वक्र जो होता है, शीतलन वक्र जो होता है,
वो कृष्णीय ठोसों का एस तत्व होता है। कैसा होता है? एस तत्व होता है। और इसका जो शीतलन वक्र, कृष्णीय ठोसों का शीतलन वक्र जो होता है बच्चों, वो स्तत होता है। कैसा होता है? स्तत होता है। क्या? शीतलन वक्र। इसका जो शीतलन वक्र है वो स्तत होता है। शीतलन वक्र जो है वो स्तत होता है, ठीक है। तो उसको, इसका मतलब क्या है इधर समझेंगे। शीतलन वक्र मतलब किसी ठोस को आपने गर्म किया, पिघला लिया, और पिघला करके आप ठंडा कर रहे हो। ठंडा कर रहे हो तो जो टेम्परेचर, ताप में कमी हो रही है और कण व्यवस्थित हो रहे हैं, इसके बीच में जो ग्राफ होता है उसको अपने शीतलन वक्र कहते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक ठोस था, उसको यूं करके पिघला लिया। अब यहां पर पिघला हुआ है, अब इसका मैं ताप कम कर रहा हूं, तो ताप और व्यवस्था के बीच में मैं ग्राफ बनाता हूं। क्या ग्राफ बनाता हूं? या जैसे इस तरीके से ग्राफ बनेगा, अगर इसको मैं ठंडा करूंगा तो पहले तो टेम्परेचर तो कम होगा लेकिन कण व्यवस्थित नहीं होंगे। यहां से पिघला हुआ है, अब ये ठोस में बदल रहा है, लेकिन जब जैसे इसका हिमांक आएगा, जिस ताप पर ये जमना शुरू होगा, उस ताप के बाद ये जमना शुरू हो जाएगा लेकिन ताप कम नहीं होगा, ठीक है। और जब पूरा का पूरा जम जाएगा तो वापस फिर ताप कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो है वो एस तत्व प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप अकृष्णीय ठोसों का शीतलन वक्र बनाओ तो वो शीतलन वक्र बच्चों इस प्रकार से बनता है। देखना, ये देखो, ये लो, क्या होगा कि ये ताप और यहां पर व्यवस्था, इसके बीच में ग्राफ बनाओ तो यहां पर अकृष्णीय ठोसों में क्या होता है कि जैसे ही ताप कम शुरू करना शुरू करोगे पिघले हुए ठोस का, तो पिघले हुए से जैसे ही वो जमना शुरू होगा, ताप कम होता जाएगा, जमता जाएगा, ताप कम होता जाएगा, जमता जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये ग्राफ जो है इस तरीके से चलता जाएगा। मतलब ये देखो, ये स्तत रूप से चल रहा है, लेकिन ये यहां पर आया, यहां पर रुका, फिर कई देर स्तत रहा, फिर यूं एक सीधा रहा, फिर नीचे जाने लग गया। मतलब ये ग्राफ कैसा? अस्तत। और ये सीधा ही नीचे जा रहा है, ये कैसा? स्तत। ठीक है, कर क्या रहे हैं हम? किसी ठोस को पिघला कर उसको जो है वो क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करते हैं तो कृष्णीय ठोस तो पहले ताप कम होता रहता है लेकिन वो जमते नहीं है। जैसे ही हिमांक आ जाता है, हिमांक के बाद ये जमना शुरू हो जाता है, जब सारा का सारा जम जाता है फिर ताप कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अकृष्णीय ठोसों में ऐसे नहीं होता, इसमें जैसे ही आप ताप कम करना शुरू करोगे तो वो जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, जमते जाएंगे, ठीक है। इसका टेम्परेचर बीच में रुकेगा नहीं, इसलिए स्तत ग्राफ, ये अस्तत ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो इसलिए कृष्णीय और अकृष्णीय ठोसों की एक और बढ़िया बातें मैंने आपको बता डाली। चलो अब क्या करना है, अब एक बात और आपने सीखना है जो एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर नई चीज दे रखी है। क्या? अब कृष्णीय अकृष्णीय ठोस कंप्लीट हो गए, इसको मैं कर रहा हूं साफ। दो बातें मैंने और बतानी है, इसके बाद आज की क्लास हो जाएगी खत्म। गौर करो बच्चों, कौन कौन सी बातें हैं, देखो स्क्रीनशॉट आपने सबके ले लिए होंगे। देखो एक नया शब्द दे रखा है जिसका नाम है बहुकृष्णीय ठोस। क्या नाम दे रखा है? बहुकृष्णीय ठोस। इसको कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए क्या होते हैं, ये ना क्रिस्टलीय होते हैं ना अकृष्णीय होते हैं, ठीक है। इनके क्या होते हैं कि अगर इनकी बात करें तो ये देखने पर तो कैसे लगते हैं? देखने पर ये अकृष्णीय प्रतीत होते हैं। क्या होते हैं? अकृष्णीय प्रतीत होते हैं, परंतु इनकी जो ज्यामिति होती है वो क्रिस्टलीय होती है। ज्यामिति कैसी होती है? क्रिस्टलीय होती है। तो ऐसे ठोसों को हम बहुकृष्णीय ठोस कहते हैं। तो पेपर में आपसे पूछा जाए कि बहुकृष्णीय ठोस कौन से होते हैं, वे ठोस जो देखने पर तो अकृष्णीय प्रतीत होते हैं लेकिन उनकी ज्यामिति क्रिस्टलीय होती है, उसको अपने जो है बहुकृष्णीय ठोस कहा जाता है। और जो भी धातुएं हैं, धातुएं जो है इसका उदाहरण मानी जाती है। धातुएं चाहे लोहा है, तांबा है, ठीक है, ये धातुएं जो है इसका उदाहरण मानी जाती है। और धातुओं की एक विशेषता और देखो क्या है, ये इसकी विशेषता एक और है कि अगर तो इसका एक नमूना लिया जाए, धातु का एक टुकड़ा लिया जाए नमूना, ठीक है, तो जैसे पूरा एक लोहे का एक गड्र है बहुत बड़ा, ठीक है, या लोहे का बहुत बड़ा सरिया है,
तो उसका एक टुकड़ा ले लो जिसको अपने उसका नमूना कहेंगे, उस नमूने को देखो तो ये तो कैसा लगता है, ये तो कैसा होता है, अकृष्टीय, कैसा होता है, अकृष्टीय। लेकिन क्या हो बच्चों कि ये पूरा का पूरा लोहे का एक सरिया ले लोगे अगर आप यूं, तो ये जो है पूरा क्रिस्टल जो है, पूरा क्रिस्टल जो है वो कैसा होता है, क्रिस्टलीय होता है। ठीक है, पूरा क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टलीय होता है। तो इस प्रकार के ठोस को अपने बहुक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा भी आपको याद करनी है। और एक और बात आपको याद करनी है, देखो क्या ये हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपके पास अकृष्टलीय सिलिकन जो होता है, अकृष्टलीय, ये लास्ट वर्ड बता रहा हूं, लास्ट बात बता रहा हूं, अकृष्टलीय सिलिकन जो होता है वो एक प्रकाश को विद्युत में बदलने वाला, प्रकाश को विद्युत में बदलने वाला सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है, प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है। ठीक है, इसको फोटोवोल्टिक, फोटोवोल्टिक भी कहते हैं, फोटोवोल्टिक। तो पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ प्रकाश वोल्टीय पदार्थ कौन सा है, तो प्रकाश वोल्टीय पदार्थ जो है वो है अकृष्टलीय सिलिकन। क्या है, अकृष्टलीय सिलिकन। जैसे परमजीत ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि सर जो ये सोलर पैनल जो लगे होते हैं उसमें क्या कौन सी धातु लगी होती है, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने 11वीं में पढ़ा था उसको समझाने के लिए था कि प्रकाश से विद्युत उत्पन्न होती थी। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी पदार्थ लगा होता था, तो अकृष्टलीय सिलिकन जो है वो सबसे ज्यादा बढ़िया प्रकाश वोल्टीय पदार्थ है, मतलब प्रकाश को जो है वो विद्युत में बदलता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज की क्लास हुई खत्म। और आज की क्लास में जो आपने थ्योरी सीखी है इसी के क्वेश्चंस जो है मैं अभी आज ही अगले एपिसोड में लेकर के आ रहा हूं, और आप अगला एपिसोड भी जरूर देखिएगा। तो एक आप सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, पहले ही एपिसोड को खूब बच्चों ने देखा और खूब मतलब बढ़ोतरी हुई है, तो इसके लिए थैंक यू। और जिन बच्चों ने आज पढ़ना शुरू किया है वो अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, हम कई बार आलस कर जाते हैं कि नहीं यार आज का एपिसोड नहीं देखेंगे, फोन पर पड़ा तो है, आज वाला कल देख लेंगे, तो वो जब आप नहीं देखेंगे तो इकट्ठे होते रहेंगे, बाद में हमसे एक साथ देखे भी नहीं जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहें, गुड लक, गुड बाय, और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में बताते भी रहना। ओके, थैंक यू।